बिस्मिल्लाह रहमान रहीम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट मैंने आपसे वीडियो में 40 एमसीक्यू शेयर किए थे पीट एक्ट 2006 के। अब जो रिमेनिंग उसके पॉसिबल हैं वो मैंने कलेक्ट किए हैं, तो वो मैं आपसे यहाँ शेयर करने लगा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। पहला, इफ द कंपिटेंट अथॉरिटी डिसाइड्स दैट इट इज नॉट नेसेसरी टू होल्ड एन इंक्वायरी अगेंस्ट द अक्यूज्ड अंडर इट शैल। अगर कंपिटेंट अथॉरिटी ये समझती है कि इंक्वायरी होल्ड करना कोई जरूरी नहीं है, तो फिर वो क्या करेगी? पहला है कि इन्फॉर्म द अक्यूज्ड बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग, लिख के उसको बताएगी। गिव हिम रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग शो काज, उसको शो काज देगी। क्लियरली स्पेसिफाई द चार्जेस एंड द पेनल्टीज, जो जो उस पर एलिगेशंस हैं और उसके अगेंस्ट जो जो पेनल्टीज हैं वो उनको बताएगी, या ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि पहले एक तो इन रिटर्न फॉर्म अक्यूज को बताया जाता है, फिर शो काज की उसको अपॉर्चुनिटी, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी भी दी जाती है, और तीसरा जो जो चार्जेस पे लगाए जाते हैं, जो पेनल्टीज हैं, वो भी उसको बताई जाती हैं। तो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, कंपिटेंट अथॉरिटी गिव अक्यूज रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ शो काज अगेंस्ट द प्रपोज एक्शन विद इन डैश डेज ऑफ रिसीट ऑफ ऑर्डर, कि जब उसको ऑर्डर मिल गया अक्यूज को, उसको बता दिया गया कि आप पे ये एलिगेशन हैं और उसकी ये पेनल्टीज हैं, तो आप इस शो काज का जवाब दें, तो कितने दिन तक उसको इसकी इजाजत है? तो दैट इज फॉर 7 डेज। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 7 डेज, 7 दिन के अंदर उसने उसका शो काज का जवाब देना है। तीसरा, कंपिटेंट अथॉरिटीज पोस्ट रिमेन वेकेंट फॉर 30 डेज, 30 दिन कंपिटेंट अथॉरिटी किसी वजह से कहीं गई हुई थी तो अवेलेबल नहीं रही। द केस शैल बी डिसाइडेड इन, तो केस कितने दिनों में डिसाइड होगा? अब ये कंपिटेंट अथॉरिटी ने 90 डेज में केस को डिसाइड करना होता है, लेकिन यहां देखे जो आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 30 दिन तो वो कंपिटेंट अथॉरिटी वहां रही नहीं, तो 90 और 30 कितने दिन हो गए? 120। ये जो 90 दिन की वाली बात है, इसमें कंपिटेंट अथॉरिटी की एबसेंस वाले दिन शामिल नहीं होते। तो 30 दिन वो एबसेंट रही है, 90 दिन में उसने डिसाइड करना था, तो करेक्ट ऑप्शन 120 दिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपिटेंट अथॉरिटी हैज टू डिसाइड द केस विद इन, ये तो अभी मैंने बताया कि 90 डेज में करना है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन 90 डेज है। फिर अगला क्वेश्चन है, इफ कंपिटेंट अथॉरिटी डज नॉट डिसाइड द केस विद इन 90 डेज, द अक्यूज कैन फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर। अगर किसी वजह से 90 डेज में उसने केस को डिसाइड नहीं किया, तो जो अक्यूज है वो एप्लीकेशन देगा किसको? कंपिटेंट अथॉरिटी को ही देगा, एपिलेंट अथॉरिटी को देगा, या दोनों को दे सकता है, या इनमें से किसी को भी देगा। तो करेक्ट ऑप्शन है एपिलेंट अथॉरिटी। तो एपिलेंट अथॉरिटी को वो एप्लीकेशन देगा कि भाई 90 दिन के अंदर अंदर मेरा फैसला करवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपिटेंट अथॉरिटी कैन अपॉइंट हियरिंग ऑफिसर इफ कंपिटेंट अथॉरिटी इज ऑफ द रैंक आर अबव। अगर तो कंपिटेंट अथॉरिटी सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के रैंक के बराबर है या उससे अबव है, फिर वो हियरिंग ऑफिसर लगा सकती है, अदरवाइज वो नहीं लगा सकती। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। 47th है, इफ द चार्जेस ऑफ ग्रेव करप्शन आर प्रूव्ड अगेंस्ट एन अक्यूज्ड, अगर किसी मुलजम पर बहुत बड़ी करप्शन के जो चार्जेस थे वो साबित हो गए, द पेनल्टी ऑफ डैश शैल बी इम्पोज्ड इन एडिशन टू द पेनल्टी ऑफ रिकवरी। ये रिकवरी तो उससे करनी करनी है, उसके साथ उस पर क्या पेनल्टी आयद होगी? तो सबसे पहला है डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, अगर बहुत बड़ी करप्शन उस पर साबित हो गई है वो रिकवरी भी करनी है और डिसमिसल फ्रॉम सर्विस भी उसको करना है। कंपल्सरी रिटायरमेंट यहां ऑप्शन नहीं आएगा, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर चार्जेस ऑफ एबसेंस फ्रॉम ड्यूटी फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर इज प्रूव्ड अगेंस्ट द अक्यूज, अगर कोई शख्स 1 साल ड्यूटी से गैर हाजिर रहा है और ये साबित भी हो गया, द पेनल्टी ऑफ डैश शैल बी इम्पोज अपॉन द अक्यूज, कौन कौन सी पेनल्टी फिर उस पर लगेगी? कंपल्सरी रिटायरमेंट ऑप्शन ए है, दूसरा रिमूवल फ्रॉम सर्विस है, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस है, या ऑल ऑफ दीज। तो अगर कोई 1 साल ड्यूटी से गैर हाजिर रहा है तो उस पर ये सारे के सारे पेनल्टीज इम्पोज होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्वायरी ऑफिसर आर कमेटी हैज द पावर्स ऑफ, इंक्वायरी ऑफिसर या कमेटी के पास सिविल कोर्ट्स की पावर होती है, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। 50th नंबर पे एमसीक्यू है,
वेयर टू आर मोर अक्यूज आर प्रोसीडेड अगेंस्ट ज्वाइंटली। अगर दो मुलजिम हैं और दोनों से इकट्ठी पूछगिछ हो रही है, द इंक्वायरी ऑफिसर आर द कन्वीनियर ऑफ द इंक्वायरी कमेटी शैल बी ऑफ रैंक डैश टू द सीनियर मोस्ट अक्यूज। तो उन दो जिनके खिलाफ, दो या दो से ज्यादा खिलाफ अगर इंक्वायरी हो रही है, उनमें से जो अक्यूज सीनियर है, उस सीनियर से भी सीनियर इंक्वायरी कमेटी का जो ऑफिसर है वो होगा। कन्वीनियर या जो इंक्वायरी ऑफिसर है वो सीनियर मोस्ट अक्यूज से भी सीनियर होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट है, कंपिटेंट अथॉरिटी मे इन इट्स डिस्क्रिशन सैंक्शन मेडिकल लीव टू द अक्यूज अप टू डैश डेज विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ मेडिकल बोर्ड। मेडिकल बोर्ड की रिकमेंडेशन के बगैर कंपिटेंट अथॉरिटी के पास ये पावर है कि वो किसी अक्यूज को 7 दिन की मेडिकल लीव दे सकती है। अगर किसी अक्यूज के खिलाफ कोई मुकदमा या कोई भी इंक्वायरी है तो 7 दिन की उसको मेडिकल बोर्ड की रिकमेंडेशन के बगैर 7 दिन की छुट्टी उसको दे सकती है। नेक्स्ट है, द इंक्वायरी ऑफिसर आर द इंक्वायरी कमेटी एज द केस में बी शैल सबमिट हिज आर इट्स रिपोर्ट टू द कंपिटेंट अथॉरिटी विद इन डैश ऑफ द इनिशिएशन ऑफ द इंक्वायरी। कितने, जब इंक्वायरी स्टार्ट होगी, इनिशिएट होगी, तो उसके 60 दिन के अंदर अंदर उसने कंपिटेंट अथॉरिटी को अपनी रिपोर्ट जमा करवानी है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है। दूसरा इस तरह से आ सकता है कि इंक्वायरी ऑफिसर या जो इंक्वायरी कमेटी है वो किसको अपनी रिपोर्ट जमा करवाती है, तो कंपिटेंट अथॉरिटी को जमा करवाती है। कितने दिनों में, ये दूसरा क्वेश्चन है, 60 दिनों में। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉर्विंग ऑर्गेनाइजेशन शैल ऑब्टेन प्रायर अप्रूवल ऑफ द लैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन बिफोर टेकिंग एनी एक्शन अंडर दिस एक्ट। अच्छा, बाज़ुका क्या होता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन ने किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से कुछ इम्प्लॉयज लेंट किए होते हैं, ठीक है, या बारो किए होते हैं, किसी से बारो किए होते हैं या किसी को लेंट किए होते हैं। तो इस केस में अब एक ऑर्गेनाइजेशन बॉर्विंग है, यानी कि उसने किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से कुछ लोग लिए थे। अब वहां जो लोग लिए थे उन्होंने वहां को मिसकंडक्ट किया या जो भी इन अप्रोप्रिएशन की, उसके अगेंस्ट उसके खिलाफ कोई उन्होंने कुछ चार्जेस लगाए और इंक्वायरी स्टार्ट की। अब ये जो सारा प्रोसीजर है, इसमें अगर तो जो बॉर्विंग ऑर्गेनाइजेशन है वो खुद इनिशिएट नहीं कर सकती, अगर जो बॉरो किया गया एम्प्लॉई है वो 17 एंड अबव का है। अगर 17 से नीचे है तो फिर अप्रूवल के बगैर, परमिशन के बगैर, यानी लैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन की परमिशन के बगैर इंक्वायरी इनिशिएट कर सकते हैं। तो अगर तो 17 एंड अबव है फिर परमिशन लेनी है, और अगर 16 से नीचे है तो फिर परमिशन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ बॉर्विंग एंड लैंडिंग एम्प्लॉइज हु टेक्स एक्शन अगेंस्ट द अक्यूज्ड। तो लैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन ही एक्शन टेक करेगी, बॉर्विंग ऑर्गेनाइजेशन एक्शन टेक नहीं करेगी, वो अपनी सारी फाइंडिंग्स उनको जमा करवा देगी। अगर तो 16 से नीचे है तो अपनी सारी फाइंडिंग्स वो उनको सबमिट करवाएंगे और लैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन उस पर एक्शन करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द चीफ मिनिस्टर इम्पोजिज पेनल्टी ऑन अक्यूज्ड। अगर किसी पर चीफ मिनिस्टर ने बजाते खुद को पेनल्टी लगाई है तो वो शख्स अपील नहीं कर सकता, ही cannot appeal टू द appellant अथॉरिटी। ये करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एन अक्यूज हु हैज बीन अवॉर्डेड एनी पेनल्टी अंडर द एक्ट अदर देन चीफ मिनिस्टर। अब चीफ मिनिस्टर के अलावा अगर किसी ने उस पर कोई पेनल्टी लगाई है तो ही मे अपील डायरेक्टली टू द appellant अथॉरिटी विद इन कितने दिन, 30 दिन के अंदर अंदर वो अपील कर सकता है। अगर चीफ मिनिस्टर ने बताते खुद पेनल्टी लगाई है फिर उसके पास अपील करने का कोई राइट नहीं है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी, लास्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ रिटायर्ड एम्प्लॉइज द प्रोसीडिंग्स सो इनिशिएटेड अगेंस्ट हिम शैल बी फाइनलाइज्ड नॉट लेटर देन डैश ऑफ हिज रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के 2 साल बाद, 2 ईयर्स, यानी कि उसने कोई भी इंक्वायरी, एक तो पहली बात यह है कि अगर कोई शख्स रिटायर हो गया और उसको रिटायरमेंट का अभी 1 साल मुकम्मल नहीं हुआ और उसकी जो सर्विस का पीरियड था उसमें पता चला कि इसने कोई खुर्द बुर्द की है या उस पर कोई इल्जाम है, तो इंक्वायरी इनिशिएट तब हो सकती है अगर उसको 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ रिटायरमेंट को। अगर उसका 1 साल हो गया फिर उस पर पीडी एक्ट नहीं लग सकता। अब अगर 1 साल नहीं था हुआ और इंक्वायरी इनिशिएट होगी तो उसके 2 साल के अंदर अंदर वो इंक्वायरी खत्म होनी चाहिए, ये रिटायरमेंट के हवाले से है, जो रिटायर्ड इम्प्लॉयज हैं उनके हवाले से। तो ये कुछ एमसीक्यूज थे, मैंने आपको कंप्लीट पीडी एक्ट के एमसीक्यूज करवा दिए हैं।
होप्सो के आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। इससे पहले लीव रूल के मैंने कंप्लीट एमसीक्यूज आपसे शेयर किए हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, और कोई क्वेश्चन है किसी का वो नीचे कमेंट करके पूछ सकता है। अपने बाकी फेलोज को भी ये शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच।